अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ एएसए एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एएसए मेडिक। अच्छा, तो आप लोग भी एमडी कैट टॉप करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि टॉपर बनते कैसे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको टॉपर्स की वो एक इम्पॉर्टेंट हैबिट बताऊंगी जो कि सब टॉपर्स में कॉमन होती है और जिसकी वजह से वो अपने एमडी कैट में टॉप करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है जो कि उनको टॉप कराती है वो ये चीज़ है, यानी वो अपने नोट्स खुद बनाते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपर को देख लें, वो कहते हैं कि हमने अपने नोट से पढ़ा। कोई भी टॉपर ये आपको कहता हुआ नज़र नहीं आएगा कि मैंने किसी अकेडमी के नोट से पढ़ा था, मैंने यहाँ से पढ़ा था, मैंने उसके नोट्स दिए थे, मैंने पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स दिए थे, तो कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन वही लोग टॉपर्स भी बन जाते हैं। तो बच्चों, ये सीक्रेट आप लोग भी अगर टॉप करना चाहते हैं तो इस चीज़ को अपनाएं। किसी के नोट्स यूज़ मत करें, बेशक वो खुद एक टॉपर हो लेकिन उसके ना यूज़ करें। आप देखना चाहते हैं कि उसने कैसे किया लेकिन देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ फिर आपको एक कंपैरिजन में ले जाएगी। हर इंसान का अपना अलग स्टाइल होता है, हर इंसान का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। तो आप ये मत सोचें कि मैं किसी के नोट्स से देख के अब कुछ कर सकती हूँ तो मैं भी टॉपर्स की तरह बन सकती हूँ। नहीं, एवरी वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें। आपके नोट्स में आप वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखोगे जो आपको पता चलती हैं। अब आपको नहीं पता उस पिछले साल के टॉपर ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई थी जो उससे टॉपर बनाती हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने अगर टॉप करना है तो अभी से, अगर आप एफएससी में हैं तो एफएससी से, एमडी कैट शुरू करने वाले हैं एमडी कैट से, एमडी कैट रिपीट करने वाले हैं तो रिपीटर जोन में हैं तो फिर भी कुछ नहीं होता। आप लोगों ने क्या करना है कि आपके टीचर्स आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने एक रजिस्टर लिया, उस रजिस्टर पर आपने वो लेक्चर नोट डाउन किया, उसके बाद आपने इस तरह की शीट्स ली, इस तरह की शीट्स आपने ली और उन शीट्स के ऊपर आपने इस तरह के हर चैप्टर के नोट्स बनाए। ये मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं, अब तो गल सड़ गए हैं, लेकिन आप लोग इसी तरह के नोट्स बनाएं अपनी तरफ से। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं वो आप खुद लिखें, लेक्चर नोट डाउन करें, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाएं। काइंडली अपने नोट्स खुद बनाओ, जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो दूसरे बंदे को नहीं लगेगा। आपने जब कोई चीज़ चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, और हर बच्चे का ही डिफरेंट होता है। तो आप लोग अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें। आप अपना परफेक्ट वर्जन है, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं आया, और आप हिस्ट्री लिख सकते हैं एक टॉपर बन के अगर आप ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं। मेक योर ओन नोट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।